बहकी बहकी बातें करना, अपने मन से हंसना, अपने मन से बातें करना, नींद ना आना या फिर कुछ हरकतें करना, ऐसे इशारे करना हाथ से, अकेले बैठना, चुपचाप बैठना, सुन बैठना, खाना नहीं खाना, ये सब लक्षण मानसिक बीमारी के होते हैं। आज ही मेरे पास में एक लड़की को लाया, 24 साल की उम्र है, उसको एक डॉक्टर की तरफ लेकर गए। वो डॉक्टर ने उनको बोला कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, दिमाग की बीमारी है। पता नहीं वो डॉक्टर कौन थे, वो तो बोलते डॉक्टर है पता नहीं। उन्होंने उनका MRI करो, ये इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन, 10-15 हज़ार के इन्वेस्टिगेशन करवाए। फिर उनको बोला कि एक दवा लिख के दिया, वो दवा में पता नहीं क्या था क्या नहीं, आयुर्वेदिक थी कि जड़ी बूटी थी। और वहाँ से फिर वो चले गए बाहर का करने के लिए, दरगाह पे चले गए, फिर बाद में मंदिर चले गए। एक महीने से इधर से उधर घुमा रहे, फिर किसने बताया केड़कर हॉस्पिटल चले जाओ, और उनको मेरे पास में लाया गया। एक्चुअली 24 साल की लड़की है, ये मानसिक बीमारी है, ये कुछ बाहर का नहीं है। मगर अभी भी आज लोग अंधश्रद्धा है, उनको लगता है कि ये बाहर का क्या हुआ है, बाहर के हवा में आई हुई है, झपेटे में आई हुई है, और वो बाहर का करते रहते हैं, जड़ी बूटी करते हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एलोपैथिक पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास में जाते हैं, हजार रुपये खर्चा करते हैं और रिजल्ट्स कुछ भी आता नहीं है। सिंपल है, इसमें डायग्नोसिस कुछ भी नहीं है। क्या डायग्नोसिस करना है जब उसको बाकी कुछ भी बीमारी नहीं है। पिछले 2 महीने से ये कोई पेशेंट यदि ऐसा कर रहा है कि भाई उसको नींद नहीं आ रही, अपने मन से बड़बड़ाना, कोई नशा पानी नहीं कर रहा है, कोई शराब नहीं पी रहा है, और कोई बाकी बीमारी ब्रेन की नहीं है, क्लियर कट है, बाकी खा पी रहा है ठीक है, तो फिर ये मानसिक बीमारी है, और उसको उचित दवाखाने में हॉस्पिटल में लेके जाना अच्छा है। अब ये बाहर का करना, भूत पलीत है, भूत निकालो, दरगाह पे जाओ, मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। अभी दवाइयाँ ऐसी आई हुई है कि कितना भी कठोर पेशेंट रहो, कितना भी आक्रामक हिंसक पेशेंट रहा, उसको हमारे पास में बांध के लाते हैं, 10-10 लोग बांध देते हैं उसको, लाते हैं हम उसको एक इंजेक्शन देते हैं तो एक इंजेक्शन में वो शांत हो जाता है। जो उसको चेन से बांध दिया जाता है वो सब छोड़ देते हैं हम, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि इतने अच्छे पावरफुल अभी इंजेक्शन दवाइयाँ हैं कि वो देने के बाद में पेशेंट अच्छा शांत हो जाता है और कंट्रोल में आ जाता है। ये जो लड़की का मैं बोल रहा हूँ, ये लड़की को हम दवाई देंगे, इलाज करेंगे, काम पड़ा तो हम शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। शॉक ट्रीटमेंट में अभी ऐसी है कि पेशेंट को कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि उसको शॉक दे रहे, उसको इंजेक्शन दे के सुलाया जाता है, एनेस्थेशिया दिया जाता है और उसको शॉक देते हैं, तो किसको मालूम नहीं पड़ता है कि भाई, या तकलीफ भी नहीं होती है कि ECT दिया, शॉक दिया, मगर तभी भी हम रिलेटिव से कंसेंट लेते हैं और बाद में फिर शॉक ट्रीटमेंट करते हैं। तो दवाइयाँ शॉक ट्रीटमेंट करके पेशेंट का इलाज हो सकता है, और वो इलाज करना ही चाहिए, वो पेशेंट का हक है। पेशेंट होश में रहता नहीं है, उसको लगता है कि मैं कुछ बीमार नहीं हूँ, मैं कुछ पागल नहीं हूँ, ऐसे पेशेंट को ज़बरदस्ती ही लाना पड़ेगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि लोग अज्ञानी हैं। अभी भी आज देहातों में किसान लोग जो है वो बाहर का करने में बिजी रहते हैं और डॉक्टर के पास में लाते नहीं है। ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।